बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, आमीन। मैं आज की रेसिपी बना रही हूँ कद्दू दाल चने की। ये मैंने 1 किलो कद्दू लिया, अच्छी तरह मैंने वाश कर काट लिया इसको। 1 पाव मैंने दाल चना के लिए और इसको मैंने उबाल लिया। ये 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 1 प्याली प्याज है, ये 2 टीस्पून सब्ज मिर्ची हैं बारीक कटी, और ये मेथी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ये सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 2 टमाटर का पेस्ट है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, ये 1/2 टीस्पून जीरा है, और 1/2 टीस्पून ये साबुत धनिया मोटा पीसा हुआ। ये ऑयल मैंने रख दिया गरम करने के लिए। 2 बड़े चम्मच ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें प्याज डाल दिया, लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूँ। प्याज का पेस्ट बना हुआ था, दोनों इकट्ठे फ्राई हो जाएंगे। प्याज हमारा फ्राई हो गया है, अब मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूँगा। ये सब्ज मिर्च बारीक कटी ये डाल दूँगा। ये मसाला डाल दूंगी, थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, मसाला हमारा फ्राई हो गया। मैं कद्दू डाल दूंगी, thank you.
की हमारे की भुनाई हो रही है। अभी इसका पानी खुश नहीं हुआ, पानी इसने छोड़ा है कभी। ये 10 मिनट में तैयार हो जाएगा पानी, इसका जैसे खुशक हो जाएगा। तो अभी पानी खुशक नहीं हो रहा, ये 3-4 सबज मिर्चे हैं उनको डाल के ये थोड़ा सा धनिया है। कद्दू की धुलाई अच्छी तरह हो गई है, अब मैं दाल चना डाल रही हूँ। हमारी यार की रेसिपी तैयार होने वाली है, तैयार हो गई है। मैं डिश आउट कर रही हूँ, थोड़ा सा धनिया ये डाल रही हूँ। हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। दो में हमें याद रखना, कल की रेसिपी में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।